और अब 5 मिनट का बुलेटिन लाइव। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना को बड़ी कामयाबी। हिजबुल का टॉप कमांडर सब्जार भट्ट मुठभेड़ में मारा गया। आतंकी फैजान भी ढेर। सब्जार भट्ट के नेतृत्व में आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला किया था। बुरहान वानी के खात्मे के बाद घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के नए पोस्टर बॉय के रूप में उभर रहा था आतंकी सब्जार भट्ट। जाकिर मूसा के हिजबुल छोड़ने के बाद संभाली थी कमान। जम्मू कश्मीर में हिजबुल के सबसे बड़े कमांडर सब्जार भट्ट को बचाने के लिए आतंकियों ने पूरी कश्मीर घाटी में किए थे मोबाइल मैसेज। पत्थरबाजों के जुटने से पहले ही किया ढेर। त्राल में सेना की तरफ से ढेर किए गए आतंकी सब्जार भट्ट के एनकाउंटर के बाद से घाटी में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज से अगले 3 दिनों का घाटी बंद बुलाया है और मंगलवार को त्राल मार्च का आह्वान किया है। कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना बना रही है नई रणनीति। आतंकियों की संख्या कम करना, LOC पर घुसपैठ को रोकना होगी प्राथमिकता। पिछले 30 घंटे में 10 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के रामपुर में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। अब तक सबसे बड़े ऑपरेशन में खोजे जा रहे हैं आतंकी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के 12वीं क्लास के नतीजे आज घोषित होंगे। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। नतीजे दोपहर से पहले घोषित होंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 1300 करोड़ की लागत से बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज का उद्घाटन करेंगे। इस टेस्ट रेंज का मकसद मानव रहित और मानव युक्त विमान के परीक्षण के लिए जरूरी आधारभूत संरचना निर्मित करना है। आज से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की ITO से कश्मीरी गेट तक 5.25 किलोमीटर लंबी हेरिटेज लाइन। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और CM केजरीवाल इस मेट्रो लाइन का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। भारत में भी जीका वायरस की दस्तक। 3 लोगों के जीका से प्रभावित होने की पुष्टि। अहमदाबाद के बापूनगर इलाके में 3 लोग हैं जीका वायरस से पीड़ित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच में 3 केस पॉजिटिव मिले। आज से शुरू हुआ माह रमजान। पहला रोजा करीब 15.5 घंटे का होगा। पूरे महीने रोजे रखते हैं मुसलमान। देश भर के बाजारों में रौनक। 1 महीने के रोजों के बाद मनाई जाएगी ईद। ट्रैक के पास जंगल में लगी आग की वजह से 1 ट्रैक पर वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई। दूसरे ट्रैक पर यात्रा जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों से करेंगे मन की बात। इस बार PM के मन की बात का दूरदर्शन पर जो प्रसारण होगा उसमें संस्कृत भाषा में सबटाइटल्स भी होंगे। BJP अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली के RK पुरम में झुग्गीवासियों के बीच जाकर प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनेंगे। इस बीच अमित शाह रविदास आश्रम का दौरा कर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मॉरिशस के PM के सम्मान में दिए भोज में एक साथ मिले मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। परसों राष्ट्रपति चुनाव पर हुई विपक्ष की बैठक में नहीं गए थे नीतीश कुमार। EVM हैक करने की चुनौती से भाग चुकी आम आदमी पार्टी हर दिन रख रही है नई मांग। कहा पूरी तरह हैक करने की इजाजत दे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने आपको चिट्ठी लिखकर कहा ये कोई हैकथॉन नहीं है, EVM हैक करने का चैलेंज है। दिल्ली के पूर्व जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर एक के बाद एक लगातार कर रहे हैं बड़े खुलासे। अब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर दवाइयों की खरीद और एम्बुलेंस में करीब 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। एक सामाजिक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक की केजरीवाल की कहानी पर बनी डॉक्यूमेंट्री मुश्किल में। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से BJP और कांग्रेस का नाम हटाने को कहा। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर और गोंडा जिलों का दौरा करेंगे। वो यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गौरतलब है कि योगी राज्य के तूफानी दौरे पर हैं। वो इससे पहले कुशीनगर गोरखपुर आजमगढ़ वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। सहारनपुर में पीड़ितों से मिलने नहीं जा पाए राहुल गांधी। यूपी पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोका। राहुल ने यूपी बॉर्डर पर ही हिंसा का शिकार हुए पीड़ितों से मुलाकात की। एक दलित बच्चे को गोदी में भी बिठाया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री SP सिंह बघेल अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर मुश्किल में घिरे। बघेल पर खुद को अनुसूचित जाति का बताकर टुंडला की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने का आरोप। बघेल के निर्वाचन को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती। BSP से निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा रखा। खुद इस मोर्चे के संयोजक बने सिद्दीकी। UP के चिकित्सा मंत्री आशुतोष टंडन ने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज में कई खामियों को देख प्रिंसिपल पर भड़के मंत्री। हालात देखकर हुए निराश। UP के मुरादाबाद में बिना इजाजत मंदिर पर लगाए गए लाउडस्पीकर को उतारने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर पथराव। 2 पुलिस वाले घायल।
पुलिस ने आर्म्ड स्पीकर को उतारकर कब्जे में लिया, तीन लोग गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में रेप के एक आरोपी की जमानत पर छूटने के बाद पीड़ित परिवार में दहशत। रेप पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने आरोपी पर धमकाने का आरोप लगाया, खौफ के मारे घर में ही रहने को मजबूर है पीड़ित परिवार। यूपी के रामपुर में एक प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी कर रहे कुछ लड़कों का वीडियो सामने आया। 26 मई को ये वीडियो इन्हीं लड़कों ने बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी लड़के अब तक फरार हैं। कानपुर में नौबस्ता पुलिस थाने के गेट के सामने युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक युवक के घर वालों का थाने में घुसकर हंगामा। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हुई हत्या, आरोपी हत्यारा गिरफ्तार। कोचुवेली गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में गाय ले जा रहे दो लोगों की गाय को अवैध रूप से ले जाने के शक में पिटाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पीटने का आरोप। भुवनेश्वर से दो बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लाल बर्रा में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की तहसीलदारों को धमकी, कहा किसी कांग्रेसी सरपंच का काम ना करें, करोगे तो जहां से आए हो वहीं भेज देंगे। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे केस कर रही है पुलिस, पुलिस कमिश्नर डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत, नौ लोग घायल। घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर भारत पर गर्मी का कहर जारी, राजस्थान के चुरू में बेहद तेज गर्मी, दिन में करीब 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान। परसों चुरू में 39 डिग्री था अधिकतम तापमान, गर्मी से लोगों का बुरा हाल। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले साल औसत से कम बारिश होने की वजह से नैनी झील का जलस्तर घटा। नैनी झील में बोटिंग के लिए दूर दूर से सैलानी यहां पहुंचते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क में सैलानियों की जीप का पीछा करते दिखा एक हाथी। जंगल में कुछ देर तक जीप का पीछा करने के बाद रुका। दिल्ली के बाराखंबा इलाके में 24 मई की रात ट्रैफिक पुलिस के दो जवानों के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया। नशे की हालत में आरोपी शख्स और उसकी पत्नी ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज की और हाथापाई की। ट्रैफिक कांस्टेबल ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया था। आरोपी शख्स को जेल भेजा गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 16 मई को बदसलूकी के आरोप में महिला से पीटे शख्स की अस्पताल में मौत। पिटाई का वीडियो सामने आया, आरोपी महिला का पति गिरफ्तार, महिला फरार। पश्चिम बंगाल के हुगली में ट्यूशन से लौट रही दसवीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार। श्रीलंका में बारिश से हुई तबाही में अब तक कम से कम 122 लोगों की मौत। भारी बारिश से कई घर ढहे, कई हजार लोग बेघर हुए। राहत और बचाव का काम जारी, भारत की तरफ से भी मदद भेजी गई। लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आज भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच अभ्यास मैच, 4 जून को भिड़ेगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स फिल्म की भारत में अच्छी शुरुआत, रिलीज के पहले दिन कमाए 8 करोड़ 40 लाख रुपए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।